ये महज एक दुर्ग ही नहीं, ये राजस्थान के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। इसी का नाम है चित्तौड़गढ़। शौर्य भूमि चित्तौड़गढ़ के त्याग और बलिदान की कहानी इतिहास का एक हिस्सा भर नहीं, एक ऐसी प्रेरक कहानी है जो आज भी आम आवाम को रोमांचित करती है। मातृभूमि के लिए मर मिटने की प्रेरणा देने वाले चित्तौड़गढ़ ने इतिहास के हर उतार चढ़ाव को इतने करीब से देखा है कि विकास और विनाश का कोई भी सच इससे अछूता नहीं। इस दुर्ग के लिए कहते भी हैं कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया हैं। यानी दूसरे दुर्गों की चित्तौड़गढ़ के आगे कोई अहमियत नहीं। पहले इसकी पहचान बनी चित्रकूट के रूप में। चित्रकूट से ये चित्तौड़गढ़ कब और कैसे कहा जाने लगा ये किसी को पता नहीं। अनुमान लगाया जाता है कि चित्रकूट से अपभ्रंश होते होते ही चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा इसे। शौर्य साहस के तीर्थ चित्तौड़गढ़ का ये किला राजस्थान के किलों का सिरमौर तो है ही। इस किले के साथ हजारों क्षत्रिय योद्धाओं के शौर्य और पराक्रम की अनगिनत रोमांचक कहानियां भी जुड़ी हैं। दुर्ग में स्थित पद्मिनी महल यहाँ हुए जौहरों का गवाह है, तो विजय स्तंभ याद दिलाता है महाराणा कुंभा द्वारा माओ के सुल्तान महमूद खिलजी पर दर्ज की गई जीत की। इस कीर्ति स्तंभ की भी अपनी कथा है, तो कृष्ण श्याम मंदिर बयां करता है प्रेम दीवानी मीरा की, दीवानगी और भक्ति की। कहीं आराधना है तो कहीं शौर्य, कहीं बलिदान है तो कहीं वैभव, और ऐसे दुर्ग की यात्रा करने का मौका मिले तो उसे भूल पाना भी आसान नहीं।